प्रख्यात टीएमटी कंपनी लाल स्टील ने धोखाधड़ी के एक मामले में गुरुवार को गिरिडीह सिविल कोर्ट ने कोडरमा के ट्रेडर्स को 3 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक अधिकारी पायल झा की कोर्ट ने इस मामले में कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान को 3 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए बकाया राशि 7,14,000 के बजाय बकाया राशि के ब्याज के साथ 8,20,000 का भुगतान करने का आदेश दिया है। धोखाधड़ी का यह मामला 6 साल पूर्व 2017 का है, जब कोडरमा के फ्रॉड कारोबारी मिनहाज खान ने गिरिडीह के लाल स्टील से 7,14,000 का छड़ खरीदा था। लाल स्टील से सरिया खरीदने के दौरान कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान ने लाल स्टील के चेयरमैन जयप्रकाश लाल को 6 साल पहले 2017 में 7,14,000 का चेक भुगतान किया था, लेकिन उक्त चेक बाउंस होने के बाद लाल स्टील के चेयरमैन जयप्रकाश लाल ने पूरे मामले की जानकारी कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान को भी दिया। इस दौरान ट्रेडर्स ने भरोसा दिलाया कि जल्द पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन कोडरमा के ट्रेडर्स लगातार टाल मटोल करते रहे। इस संबंध में अधिवक्ता विशाल आनंद ने बताया कि लाल स्टील के चेयरमैन के साथ हुए धोखाधड़ी के मामले में गिरिडीह कोर्ट में परिवाद पत्र दायर कर दिया गया था, जिसमें 6 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 10 दिन पहले आरोपी पर आरोप तय किया। वहीं गुरुवार को मामले में सजा सुनाते हुए 3 माह की सजा और ब्याज के साथ 8,20,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। बताया गया कि फ्रॉड कारोबारी मिनहाज खान फिलहाल जेल से बाहर है, जिसे देखते हुए कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है। बरगंडा रोड में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कोलकाता फर्नीचर, जहां अल्टीमेट टर्किश मॉडल और डिजाइनर फर्नीचर का हैवी कलेक्शन मौजूद है। जी हां, यहां बेड, दीवान, सोफा, कॉर्नर सोफा, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब वगैरह के डिजाइनर प्रोडक्ट उपलब्ध है। यहां बहुत ही कुशल कारीगरों द्वारा शानदार डिजाइन की फर्नीचर तैयार करवाई जाती है। यहां ओपनिंग ऑफर के तहत 20% का हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। लगन के मौके पर अपने पसंद के फर्नीचर की करें जमकर खरीदारी। यहां बजाज फाइनेंस और HDB फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, कोलकाता फर्नीचर गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट बरगंडा रोड गिरिडीह।